कहाँ तक पढ़ा था हमने? वी हैड कंप्लीटेड रानी लक्ष्मीबाई कंप्लीट कर लिया था। बाल गंगाधर तिलक के बारे में पढ़ा था हमने। बिरसा मुंडा है ना, जो क्या थे, एक आदिवासी थे है ना, एक ट्राइबल पीपल थे ना। टुडे वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जवाहरलाल नेहरू इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। जैसे ही अपनों को क्या मिली थी, इंडिपेंडेंस मिली थी, आजादी मिली थी, तो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। हिज टर्म लास्टेड फ्रॉम, ये आपको पता ही था है ना, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ये थे शिवम। अनम्यूट करो। बेटा ये बताओ कि फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन जवाहरलाल नेहरू। थे और ये प्राइम मिनिस्टर कौन थे फिर? अगर प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू थे, प्राइम मिनिस्टर कौन है फिर? अभी एक दिन पहले ही पढ़ा है हमने चैप्टर, उसमें भी नहीं आता। शुभ, यस सर, डॉक्टर फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? राजेंद्र गुड। क्यों शिवम, अपनों को यही नहीं पता ना, अभी पढ़ा था 2 दिन पहले। हिज टर्म लास्टेड फ्रॉम 1947 टू 1964। ये प्राइम मिनिस्टर कब तक रहे? 1947 से लेकर 1964 तक। ओके, ऑल्सो नोन एज पंडित नेहरू, ही वॉज बोर्न ऑन 14 नवंबर 1869। ऑल्सो नोन एज पंडित नेहरू, इन्हें और किस नेम से कहा जाता था? पंडित नेहरू। ये और किस नेम से जाने जाते थे? पंडित नेहरू। इनका बर्थ कब हुआ था? 14 नवंबर 1869। इनका बर्थ, इनकी बर्थ डेट क्या है? 14 नवंबर 1869, एट अलाहाबाद इन उत्तर प्रदेश। कहां पर हुआ था इनका? अलाहाबाद में जन्म हुआ था, ठीक है। इनका बर्थ कहां पर हुआ था? अलाहाबाद। जवाहरलाल, ये अंडरलाइन कर लो आप, 14 नवंबर 1869। जवाहरलाल नेहरू पार्टिसिपेटेड इन इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट अंडर महात्मा गांधी लीडरशिप। जवाहरलाल नेहरू ने भी पार्टिसिपेट किया था, मतलब वो भी एक क्या थे, इम्पोर्टेंट लीडर थे है ना, कब? फ्रीडम मूवमेंट में है ना, अपनों को आजादी दिलवाने के लिए वो भी एक क्या थे, एक बड़े लीडर थे है ना। किसके अंडर वो वर्क करते थे? महात्मा गांधी की लीडरशिप में। मतलब जो महात्मा गांधी थे, उनकी जो उनके जितने मूवमेंट थे, उनके अंडर कौन वर्क करता था? जवाहरलाल नेहरू। ही वॉज अपॉइंटेड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1929। ये क्या बन गए थे? इनको किस लिए अपॉइंट करा था? प्रेसिडेंट है ना, प्रेसिडेंट किस चीज का? प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस, इनको क्या बनाया गया था? इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट इन 1929, ठीक है। ही पार्टिसिपेटेड इन द क्विट इंडिया मूवमेंट एंड वॉज इम्प्रिजन्ड। ये किस, इन्होंने और किस में पार्टिसिपेट किया था? क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसको हिंदी में अपन क्या बोलते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन है ना। आपने हिंदी में तो सुना ही होगा, भारत छोड़ो आंदोलन। एंड वॉज इम्प्रिजन्ड, मतलब उनको इसके लिए जेल भी हुई थी। ओके, नेक्स्ट पेज। नोन एज द क्रिएटर ऑफ मॉडर्न इंडिया, नेहरू लेड इंडिया ऑन द पाथ ऑफ प्लांट डेवलपमेंट। नोन एज द क्रिएटर, मतलब इन्होंने मॉडर्न इंडिया को क्रिएट करा था, मतलब मॉडर्न इंडिया को बनाया था इन्होंने है ना। नेहरू लेड इंडिया ऑन द पाथ ऑफ प्लांट डेवलपमेंट, मतलब इंडिया में डेवलपमेंट हुआ, उसके पीछे भी किसका हैंड था? नेहरू का।
जवाहरलाल नेहरू. नेहरू स्टार्टेड द नॉन अलाइन मूवमेंट विच ब्रॉट एवरी कंट्री इन एशिया एंड अफ्रीका टूगेदर सो दे कुड बी हर्ड एज अ सिंगल एंटिटी ऑन ग्लोबल इशू. नेहरू ने एक मूवमेंट स्टार्ट किया था, क्या नेम था? नॉन अलाइन मूवमेंट. अंडरलाइन दिस वर्ड, नॉन अलाइन मूवमेंट. नॉन अलाइन मूवमेंट विच ब्रॉट एवरी कंट्री इन एशिया एंड अफ्रीका टूगेदर. इस मूवमेंट में क्या हुआ था, जितनी भी एशिया और अफ्रीका की कंट्री है ना, एशिया तो एक कॉन्टिनेंट है और अफ्रीका भी क्या है, एक कॉन्टिनेंट, तो इन दोनों कॉन्टिनेंट्स की जितनी भी कंट्री है वो क्या हो गई, एक साथ मिल गई है ना, दे केम टूगेदर, वो एक साथ जुड़ गए, एक साथ मिल गए, सो दैट दे कुड बी हर्ड एज अ सिंगल एंटिटी ऑन ग्लोबल इशू. क्यों क्यों एक साथ मिल गए, ताकि वो एक सिंगल कंट्री की तरह जाने लगे. ठीक है, सारी कंट्री मिलकर सिर्फ एक सिंगल, जो अपन कहते हैं ना, एक ग्रुप की तरह उनको जाने. ऑन ग्लोबल इशू मतलब जितने भी ग्लोबल इशू होते हैं ना, उसके लिए वो एक सिंगल एंटिटी जानते थे उनको, मतलब जितनी भी कंट्री थी उसको एक सिंगल एंटिटी की तरह पहचानते थे. ही वॉज कॉल्ड चाचा नेहरू और अंकल नेहरू बाय चिल्ड्रन. वो चिल्ड्रन के मतलब चिल्ड्रन उनको क्या बोलते थे, बच्चे क्या बोलते थे उनको, चाचा नेहरू या फिर अंकल नेहरू. ठीक है, सो वी स्टडीड अबाउट जवाहरलाल नेहरू इन दिस टॉपिक. ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट एक और पर्सन कौन है, इंपॉर्टेंट पर्सन, सरोजनी नायडू वॉज बोर्न in 1879 in Hyderabad, was one of the foremost women leaders in India's struggle for freedom. Sarojini Naidu ka birth kahan par hua tha, Hyderabad mein, hai na, kab hua tha, 1879 mein, underline this word, 1879 in Hyderabad. Inka birth kahan par hua tha, Hyderabad mein, aur kab hua tha, 1879. Okay. Was one of the foremost women leaders in India's struggle for freedom. ये भी एक important leader थी, है ना, जैसे रानी लक्ष्मीबाई थे ना, वैसे ये एक important woman leader थी, है ना, किसके लिए, freedom के लिए, मतलब freedom में इन्होंने भी लड़ाई करी थी. She joined the Indian freedom struggle in 1905 during the Swadeshi and boycott movements. ये India freedom struggle में इन्होंने भी join किया था, है ना, मतलब जो लड़ाई थी ना आजादी दिलवाने के लिए जो लड़ाई थी उसमें इन्होंने भी participate किया था. कब किया था, 1905 में. कौन से movement में इन्होंने participate किया था, Swadeshi and boycott movement. स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट. बीइंग एन एक्सीलेंट पोएटेस एंड ऑरेटर, शी यूज्ड दिस स्किल टू वर्क फॉर द मासेस, स्पेशली फॉर वुमेन. ये क्या थी, एक पोएटेस भी थी. पोएटेस मतलब जो पोएम्स लिखती हो, ठीक है, पोएटेस मतलब जो पोएम्स लिखती हो. और क्या थी, ऑरेटर भी थी, जो क्या थी, एक स्पीचर थी. स्पीचर मतलब जो स्पीच देती है, है ना, जो पब्लिक स्पीचेस होती है ना, लोगों को मतलब मोटिवेट करना, ये सब क्या करती थी, उसे क्या कहते हैं, ऑरेटर. तो सरोजनी नायडू क्या थी, एक पोएटेस भी थी, जो क्या पोएम्स लिखती थी, और एक ऑरेटर भी थी, जो पब्लिक स्पीचेस में पार्टिसिपेट करती थी, है ना, मतलब लोगों को मोटिवेट करती थी एक साथ. शी यूज दिस स्किल टू वर्क फॉर द मासेस, स्पेशली फॉर वुमेन. इन्होंने वुमेन को मोटिवेट किया था, ठीक है, ये किन के लिए वर्क करती थी, मोस्टली वुमेन के लिए. शी कैंपेन
स्पेशली फॉर द वुमेन सेफरेज। और इन्होंने किसके लिए वर्क किया था? वुमेन सेफरेज के लिए भी वर्क करा था। ठीक है, सेफरेज क्या होता है? मतलब राइट टू वोट, है ना। मतलब उन्होंने वुमेन के जो राइट्स थे उनको भी उसके उसमें भी वर्क किया था। ठीक है, जैसे राइट टू वोट होता है ना, जैसे कि वुमेन को भी मौका मिलना चाहिए कि वो अपने पर्सन को सेलेक्ट कर सके। ओके, मतलब वुमेन की भी इक्वलिटी होनी चाहिए। आफ्टर एनी बेसेंट शी बिकेम द सेकेंड वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग द कानपुर सेशन इन 1925। आफ्टर एनी बेसेंट के बाद वो क्या बनी? सेकेंड वुमेन प्रेसिडेंट बनी, है ना। किसकी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? एनी बेसेंट। और सेकेंड कौन बनी? सरोजनी नायडू। कब बनी थी ये? 1925 में। अंडरलाइन दिस वर्ड, 1925 में ये वुमेन प्रेसिडेंट बनी थी। मतलब ये प्रेसिडेंट बनी थी किसकी? इंडियन नेशनल कांग्रेस। ओके, शी वॉज इंस्पायर्ड बाय महात्मा गांधी सत्याग्रह मूवमेंट। जो महात्मा गांधी का जो सत्याग्रह मूवमेंट था उसको किसने इंस्पायर किया था? सरोजनी नायडू को, है ना। मतलब वो इनसे इंस्पायर हुई थी, मोटिवेटेड हुई थी। ओके, शी एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द नॉन कॉपरेशन। क्या हो गया शुभ? इसका मीनिंग समझ में नहीं आया। किसका? सर, वुमेन प्रेसिडेंट का। बेटा वुमेन प्रेसिडेंट मतलब ये सेकेंड लेडी थी, है ना। बाकी सब तो क्या बने थे? मेन थे, है ना, मेन थे वो, है ना। जो प्रेसिडेंट वो भी एक वुमेन, तो इसमें सेकेंड नंबर पे कौन थी? सरोजनी नायडू, है ना। जैसे रहते हैं ना वुमेन प्रेसिडेंट अपने इधर की भी जो बनी थी, जैसे प्रतिभा पाटिल, आपने सुना होगा, तो वो क्या थी? फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, है ना, अपने कंट्री की। ओके, तो वैसे ही इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट वुमेन प्रेसिडेंट कौन बनी थी? सरोजनी नायडू। ये सेकेंड नंबर पे थी और फर्स्ट नंबर पे थी एनी बेसेंट। ठीक है सर, सिर्फ 1925 ही अंडरलाइन करनी है? हाँ, सिर्फ 1925। मतलब ये आपको याद रखना है कि कब बनी थी ये। ओके सर। ओके, क्या पढ़ा हमने? शी एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन 1920 एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन 1930। इन्होंने पार्टिसिपेट किया था किसमें? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। ठीक है, कब? 1920 में। जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था ना, किसका? महात्मा गांधी का। ठीक है, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये दोनों जो मूवमेंट थे वो किसके थे? महात्मा गांधी के। ठीक है, और उसमें किसने पार्टिसिपेट किया था? सरोजनी नायडू ने। सरोजनी नायडू बिकेम द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया व्हेन शी टुक चार्ज ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। सरोजनी नायडू जब अपने इंडिया का इंडिपेंडेंस हुआ था, मीन्स इंडिया को फ्रीडम मिल गई थी, तो ये सबसे पहली वुमेन गवर्नर बनी थी, है ना। फर्स्ट वुमेन गवर्नर बनी थी, और उन्होंने मतलब किसकी देखभाल करने लग गए थे? वो उत्तर प्रदेश। ठीक है, मतलब उत्तर प्रदेश को वो गवर्न कर रही थी। तो शी बिकेम फर्स्ट वुमेन गवर्नर। ओके, ये किसका पढ़ा हमने? सरोजनी नायडू। नेक्स्ट, बी आर अंबेडकर का फुल फॉर्म क्या है? भीमराव रामजी। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लो आप, भीमराव रामजी अंबेडकर, पूरा अंडरलाइन कर लो। बी आर अंबेडकर का फुल फॉर्म है ये भीमराव रामजी अंबेडकर। भीमराव रामजी अंबेडकर और बी आर अम्बेडकर वॉज बोर्न ऑन 14 अप्रैल 1891। इनका बर्थ कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891।
उसको भी अंडरलाइन कर लो. 14 अप्रैल 1891 इन मध्य प्रदेश. कब हुआ था ये, कहां पर हुआ था ये? मध्य प्रदेश में. ठीक है, कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 और कहां पर हुआ था? मध्य प्रदेश. पॉपुलरली नोन एज बाबा साहेब अंबेडकर फोर्ट फॉर द राइट्स ऑफ द अनटचेबल इन इंडिया. इनको और किस नेम से जाना जाता था? बाबा साहेब. ठीक है, उसको भी चलो अंडरलाइन कर लो. ये इस नेम से जाने जाते थे, बाबा साहेब. अंबेडकर ने, अंबेडकर का क्या कंट्रीब्यूशन था? अंबेडकर ने, मतलब बी आर अंबेडकर ने किसके लिए लड़ाई करी थी? फॉर द राइट्स ऑफ अनटचेबल. मतलब किसको इक्वालिटी दिलाने के लिए? अनटचेबल. अनटचेबल मतलब कुछ ऐसे पर्संस रहते हैं, मतलब जो छोटी कास्ट के, जिनको मतलब बिल्कुल नीचे का दर्जा दिया जाता है ना. मींस कि वो छोटी कास्ट की होने की वजह से उनको किसी सोसाइटी में रहने को नहीं मिलता है. ठीक है, उनसे बिल्कुल दूर रहते हैं वो, और उनको टच करना भी एक क्या रहता है? एक क्राइम रहता है. मतलब वो समझते हैं कि उनको अगर टच भी कर लिया तो वो क्या हो जाएंगे, मतलब टच भी कर लिया तो उनको क्या लगेगा? पाप लगेगा. ठीक है, तो वो ऐसे पर्सन रहते हैं अनटचेबल. ठीक है, मतलब उनको टच नहीं करने देते हैं, उनको पूरी इक्वलिटी नहीं मिलती है ना, सोसाइटी में पूरी इक्वलिटी नहीं मिलती है. ठीक है, उनसे सब दूरी लगा के बैठते हैं, मतलब दूरी दूर रहते हैं सब. ठीक है, तो उनकी उनकी राइट्स के लिए, उनकी इक्वलिटी दिलाने के लिए किसने लड़ाई करी थी? अंबेडकर. ठीक है, ही ओवरकेम सेवरल स्ट्रगल्स एंड ऑब्स्टिकल्स इन हिज अर्ली लाइफ टू बिकम वन ऑफ द वेल नोन जूरिस्ट ऑफ इंडिया. ही ओवरकेम सेवरल स्ट्रगल्स. इनकी लाइफ में भी बहुत सारे स्ट्रगल्स आए थे. ठीक है, एंड ऑब्स्टिकल्स. ऑब्स्टिकल मतलब भी क्या होती है? मुसीबतें, है ना. स्ट्रगल और ऑब्स्टिकल मतलब मुसीबतें. ठीक है, इन हिज अर्ली लाइफ. बट इनकी जितने भी वो आए थे, इनकी जितनी भी परेशानी आई थी, उन सबको इन्होंने क्या करा? ओवरकम करा. मतलब उन सबको इग्नोर करके वो क्या बन गए? वेल नोन जूरिस्ट. टू बिकम वन ऑफ द वेल नोन जूरिस्ट. जूरिस्ट मतलब जो लॉ में एक्सपर्ट होता है ना, जो कानून में जो एक्सपर्ट होता है ना, उसे क्या कहते हैं? जूरिस्ट. ठीक है, तो अपने इंडिया के एक वेल नोन क्या बन गए थे? वो जूरिस्ट बन गए. बी आर अम्बेडकर वॉज अ ग्रेट लीडर एंड अ टॉप स्कॉलर विथ सेवरल डॉक्टरेट्स एंड अ लॉ डिग्री. बी आर अम्बेडकर क्या थे? एक बहुत बड़े लीडर थे, है ना. वो भी क्या थे? एक बड़े लीडर थे, ग्रेट लीडर थे. एंड अ टॉप स्कॉलर मतलब वो टॉपर भी थे, है ना, टॉपर भी थे. विथ सेवरल डॉक्टोरेट्स एंड अ लॉ डिग्री. इनके पास बहुत सारी डिग्रीज भी थी, लॉ की डिग्रीज. ठीक है, ही वॉज अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमिटी वाइल फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. अपने इंडिया का जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब आपको पता है क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन मतलब एक बुक रहती है जिसमें इंडिया के सारे रूल्स, है ना, अपने राइट्स, अपनी ड्यूटीज, गवर्नमेंट के क्या क्या वर्क रहते हैं, वो सब किसमें लिखे हुए थे? कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, जितने भी लॉ रहते हैं, ओके, ये सब किसमें लिखे हुए रहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन. तो वो जैसे ही बनते हैं, मतलब जब ये बनी थी, कॉन्स्टिट्यूशन बनी थी अपने इंडिया में, ठीक है, तो उसके चेयरमैन कौन थे? उसके चेयरमैन कौन थे? बी आर अम्बेडकर. ठीक है, वो क्या थे? चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमिटी. एक कमिटी का नेम है कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमिटी. ठीक है, इसके ये चेयरमैन थे. ठीक है, जब अपना वो बन रहा था ना कॉन्स्टिट्यूशन, कब बना था वो? 1950 में. अपना कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था? 1950 में. और उसमें चेयरमैन कौन थे? बी आर
अंबेडकर. He started publishing a newspaper called Moknayak in 1920 to highlight the plight of the Dalits and campaigned for their rights to enter temple and again access to taps and common wells. ठीक है, अब मैंने आपको बताया untouchable. Untouchable कौन होते हैं? वो person जिनको proper equality नहीं मिलती है society में, जिनको मंदिर जाने के लिए नहीं मिलता है. यस व्हाट हैपेंड शो सर, यहाँ पे तो 1956 लिखा हुआ है. कहा लिखा हुआ है बेटा? वहां तक पहुंचे ही कहा है, आपने पहले से पढ़ लिया हो और गलत मीनिंग ले लिया. नो सर, आपने 1950 लिखा ना, इसलिए. बेटा तो 1950 में अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना था, है ना? वो 1956 अलग चीज है, बताता हूँ. तो क्या पढ़ा था हमने? हाँ, ही स्टार्टेड पब्लिशिंग अ न्यूज़पेपर. उन्होंने एक न्यूज़पेपर भी पब्लिश करा था. क्या नाम था उसका? मूकनायक. क्या नाम था उसका? मूकनायक. अंडरलाइन कर लो इसको भी, मूकनायक को. कब करा था ये? 1920 में, है ना? कब करा था ये? 1920 में. टू हाईलाइट द प्लाइट ऑफ द दलित्स. दलित मतलब यही अनटचेबल, है ना? अनटचेबल दलित उनको कहते हैं जो अनटचेबल होते हैं. मीन्स उनको टच करना भी मतलब एक तरह का क्राइम हो जाता है. ठीक है, उनको क्या होता है, टेम्पल्स में नहीं आने देते हैं. ठीक है, तो उनकी प्राइड के लिए, उनकी इक्वलिटी के लिए उन्होंने एक न्यूज़पेपर पब्लिश किया था जिसका नेम था मूकनायक. एंड कैंपेन फॉर देयर राइट्स टू एंटर टेंपल्स. और उनकी उनके राइट्स दिलाने के लिए उन्होंने लड़ाई भी की थी, कैंपेनिंग भी की थी. ठीक है, काय के लिए? कौन से राइट्स के लिए? एक तो टेंपल में एंटर करना, मतलब सब टेंपल्स मतलब हर जने के लिए होता है ना, ये लोगों को बताना. एंड गेन असेस टू टैप्स एंड कॉमन वेल्स. मतलब उनको पानी भरने भी नहीं दिया जाता था, है ना? जो आसपास के जो नल्स रहते हैं ना, नल रहते हैं, उनको उसमें पानी भी नहीं भरने दिया जाता था. तो ये सब लोगों को बताने के लिए उन्होंने एक न्यूज़पेपर पब्लिश किया. अंबेडकर डाइड इन 1956. अंबेडकर की डेथ कब हुई थी? 1956 में, है ना? ये डेथ है, डेथ की डेट है ये 1956 में. मतलब कौन से ईयर में इनकी डेथ हो गई थी? 1956. हिज बर्थडे इज नाउ कॉमेमोरेटेड एज अंबेडकर जयंती. हम इनके बर्थडे को भी मनाते हैं. मतलब एक हॉलीडे रहता है, नेशनल हॉलीडे, है ना? नेशनल कह सकते हैं, नेशनल हॉलीडे, दैट इज अंबेडकर जयंती. अंबेडकर जयंती के नेम से बनाते हैं अपन इनका बर्थडे. ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड बीआर अंबेडकर. बीआर अंबेडकर भी अपन ने कंप्लीट कर लिया. नेक्स्ट, एपीजे अब्दुल कलाम. सबको पता है कौन है ये? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वॉज अ मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी, ए प्रोफेसर एंड एरोस्पेस साइंटिस्ट एंड एन ऑथर. डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम क्या थे? एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी. मतलब उनके पास बहुत सारे टैलेंट्स थे, है ना? कौन कौन से? एक तो वो प्रोफेसर भी थे, टीचर थे, मतलब, है ना? एक एरोस्पेस साइंटिस्ट भी थे. मतलब जो स्पेस की जो सर्चिंग होती ना, स्पेस को जो सर्च करना, उसके भी एक साइंटिस्ट थे. और एक ऑथर भी थे. ऑथर मतलब जो बुक्स लिखते, वो भी थे. Born in Rameswaram in 1931, he was also known as the Missile Man of India. ये कब, इनका बर्थ कहाँ पर हुआ था? रामेश्वरम. रामेश्वरम कहाँ पर है? तमिलनाडु. ठीक है, ये पूरे अंडरलाइन कर लो. रामेश्वरम इन 1931. इनका बर्थ कब हुआ था? रामेश्वरम में, है ना? रामेश्वरम कहाँ है? तमिलनाडु में. ठीक है, तमिलनाडु जो स्टेट है ना, वहां.
1931 में इनका बर्थ हुआ था. He was also known as the missile man of India. इनको और क्या कहा जाता था? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, इंडिया का मिसाइल मैन, है ना. मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी इनको कहा जाता था. क्यों? बिकॉज ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ मिसाइल टेक्नोलॉजी इन इंडिया. क्यों कहा जाता था इनको मिसाइल मैन? क्योंकि इनका भी कंट्रीब्यूशन था किसमें? डेवलपमेंट ऑफ मिसाइल टेक्नोलॉजी. अपने इंडिया में जो मिसाइल टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ था उनमें इनका भी कंट्रीब्यूशन था, ठीक है. इसलिए इनको क्या कहा जाता था? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया. ही स्टडीड फिजिक्स एंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग एंड बिकेम अ साइंटिस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटर एट द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. एक रिसर्च सेंटर है, क्या नेम है इसका? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. ये पूरा एक रिसर्च सेंटर का नेम है, ठीक है. इसको आप शॉर्ट में कह सकते हो डीआरडीओ, ठीक है. डीआरडीओ क्या है? एक रिसर्च सेंटर है ना, जो साइंटिस्ट के लिए होता है ना, रिसर्च सेंटर. ही स्टडीड फिजिक्स, उन्होंने किसकी पढ़ाई करी? फिजिक्स की, है ना, एंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग, और स्पेस की, स्पेस की जो इंजीनियरिंग होती है उसकी भी पढ़ाई करी इन्होंने. एंड बिकम अ साइंटिस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटर, और वो क्या बने? एक साइंटिस्ट बने, ठीक है, और एक एडमिनिस्ट्रेटर बने. कहाँ के? डीआरडीओ के, ठीक है. और किसके बने ये? एंड द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. अपने इंडिया की जो रिसर्च सेंटर है, क्या नेम है उसका? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, अंडरलाइन कर लो उसको भी, ISRO, इसरो. अंडरलाइन कर लिया. ठीक है, तो इन्होंने किसकी पढ़ाई करी? फिजिक्स और एरोस्पेस इंजीनियरिंग, इनकी पढ़ाई करी इन्होंने, ठीक है. और ये किसके? ये साइंटिस्ट बने और एडमिनिस्ट्रेटर भी बने, ठीक है. किसके? जो सब मैनेज करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर मतलब जो मैनेज करते हैं. कहाँ के बने ये? एक तो डीआरडीओ के और एक इसरो के, ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. कलाम प्लेड अ की रोल इन द न्यूक्लियर टेस्ट, है ना. एक न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, विच वॉज कंडक्टेड इन पोखरीन 1998, है ना. एक न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था कहां पर? पोखरीन में, ठीक है. उनमें भी एक इन्होंने क्या करा था? की रोल प्ले करा था, है ना. मतलब इनका भी कॉन्ट्रीब्यूशन था किसमें? न्यूक्लियर टेस्ट. He served as the 11th President of India from 2002 to 2007. अपने इंडिया के जितने भी प्रेसिडेंट है उनमें 11th, मतलब 11 नंबर पर प्रेसिडेंट कौन बना था? APJ अब्दुल कलाम, है ना. ये 11th प्रेसिडेंट थे अपने इंडिया के, ठीक है. और इनका मतलब ये कब तक थे, कब से लेकर कब तक? 2002 से लेकर 2007 तक, ठीक है. इन्होंने प्रेसिडेंट का वर्क किया था, है ना. मतलब ये अपने इंडिया के प्रेसिडेंट थे. ही रिसीव्ड सेवरल प्रेस्टिजियस अवार्ड थ्रू आउट द लाइफ टाइम इंक्लूडिंग द भारत रत्न. इन्हें बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले थे, है ना, इनकी पूरी लाइफ टाइम में. मतलब जब तक ये लाइव थे, जब तक अलाइव थे ये, है ना, जब तक ये जिंदा थे तब तक इन्हें बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले थे. जैसे कि जिसमें क्या था, एक भारत रत्न, ये एक बहुत बड़ा अवार्ड है, है ना, भारत रत्न, ठीक है. ही इज एन इंस्पिरेशनल फिगर फॉर स्टूडेंट्स एंड हिज ह्यूमिलिटी टच एवरीवन. ये क्या है? एक इंस्पिरेशनल फिगर है, है ना, फॉर स्टूडेंट. मतलब स्टूडेंट्स को अगर इंस्पिरेशन चाहिए तो इनके बारे में पढ़ सकते हो,
ना, मतलब ये भी एक क्या थे, पुअर फैमिली से थे, बट ये क्या बने, साइंटिस्ट बने, है ना। एंड हिज ह्यूमिलिटी टच एवरीवन, और इनकी सरलता मीन्स ये क्या थे, बिल्कुल सरल नेचर के थे, है ना, बिल्कुल लो लेवल नेचर के थे ये। ही पास्ड अवे ऑन 27 जुलाई 2015 इन शिलोंग। इनकी डेथ कब हुई, टू 27 जुलाई 2015 में, ठीक है, 27 जुलाई 2015 में। कहां पर हुई थी, शिलोंग में। शिलोंग एक प्लेस है ना। इनकी डेथ हुई थी 27 जुलाई 2015। ओके, ये हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। कल बुक एक्टिविटी करेंगे, है ना। नाउ लिसन स्टूडेंट्स ऑल ऑफ यू, कल हम चैप्टर की बुक एक्टिविटी करेंगे, और इस चैप्टर का सोशल साइंस का जो चैप्टर नंबर 1 है उसको लर्न करेंगे, ठीक है, अंडरस्टूड एवरीवन। तो कल आप जो फर्स्ट एंड में थम्स अप, सबको क्लियर हो गया, कल क्या करेंगे, कल हम चैप्टर नंबर 1 की जो भी है अपना चैप्टर नंबर 1 में वो अपन लर्न करेंगे, चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर। बुक एक्टिविटी अपन नहीं करी है ना, बुक एक्टिविटी नहीं करी है, बुक एक्टिविटी पे अपन कर लेंगे। ओके, वी आर एंडिंग अवर क्लास हियर। कल चैप्टर नंबर 1 आप ओपन करके रखना, है ना, जो अपना चैप्टर नंबर 1 के जो क्वेश्चन आंसर है उनको आप ओपन करके रखना, कल अपन वो लर्न करेंगे।